दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ कि आप लोग अपने इंस्टाग्राम पेज को विद इन मंथ कैसे ग्रो कर सकते हैं और उनके फॉलोअर्स को कैसे इंगेज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको इन डिटेल समझाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय टेकिंग पंकज में। दोस्तों यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम का पेज कैसे बनाएंगे, किस निश को आप सभी को सिलेक्ट करना है, कैसे अपने पेज को ग्रो करना है और उससे अर्निंग कैसे करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और जितने भी यहाँ पर इंस्टाग्राम से पैसे कमाने वाले बंदे आए हैं, तो यहाँ पर ऐसा मत करना कि बीच में छोड़ के आप लोग वीडियो चले जाओ, पूरी वीडियो देखना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी कर देना। तो इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। आप लोग किसी का प्रमोशन करके पैसे अर्न कर सकते हो, आप अपना इंस्टाग्राम पेज सेल करके पैसे अर्न कर सकते हो। एक एक इंस्टाग्राम का जो पेज होता है ना, वो हज़ारों में लाखों में सेल होता है दोस्तों। और मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना भी चुका हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पर, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पेजेस को सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों अभी के टाइम पर क्या है ना, जो मोटिवेशनल पेज हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। आप जितने भी यहाँ पर मोटिवेशनल पेज देखेंगे ना, उन पर लाखों में हज़ारों में फॉलोअर्स हैं। जैसे कि ये एक मोटिवेशनल पेज है, ठीक है, जिसके 459 फॉलोअर्स हैं और उसने केवल 3 पोस्ट ही यहाँ पर डाली हैं। अब ये इसकी मदद से पैसे भी अर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ अपनी एफिलिएट लिंक भी यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद अगर और मोटिवेशनल यहाँ पर मैं आपको सभी को दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं मोटिवेशनल थाट्स, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया और इसके 2,04,000 फॉलोअर्स यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके के यहाँ पर पोस्ट डालते हैं। तो अब आप लोग ऐसे कैसे पोस्ट बनाओगे, आप कैसे करके ये पोस्ट डालोगे, वो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो है वो 1,276 पोस्ट डाली हैं, ठीक है, और इतनी पोस्ट में ही इनके जो है वो इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाऊँ तो बहुत सारे यहाँ पर हैं जो लोग इस तरीके पर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि ये देखो, इनके 1,43,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और इन्होंने 4,182 यहाँ पर पोस्ट डाली हुई हैं, ठीक है, और ये इंग्लिश में पोस्ट डालते हैं। तो अब अगर आप भी इस तरीके की पोस्ट डाल सकते हो तो ज़रूर से ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इन वाले जो पेजेस हैं इन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है एंड जो बंदे होते हैं वो ऐसी चीज़ ज़रूर से ज़रूर सर्च करते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग कैसे बनाएंगे, कैसे अपने पेज को ग्रो करेंगे, वो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। पहले तो आप सभी लोगों को एक निश सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर निश सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है हमारी मोटिवेशनल कोट्स, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, सिंपली यहाँ पर आएंगे गूगल पर और यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। अब आप लोग करने का इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट आप सभी को बना लेना है। अब जो जो मैं आप सभी को समझा रहा हूँ आपको वैसा वैसा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम साइनअप पर क्लिक करेंगे, साइनअप पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर हमें फ़ोन नंबर डालना है, अपना फुल नेम, यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम दोस्तों ऐसा चुनिएगा जो काफ़ी यूनिक हो और आपके निश से संबंधित हो। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यूज़र नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पेज नेम जनरेटर, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं पहली वाली जो वेबसाइट है इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर हम मोटिवेशनल डाल देते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल ये मैंने यहाँ पर डाल दिया और मैं यहाँ जनरेट पर क्लिक करता हूँ। अब जितने भी यहाँ पर नाम होंगे यूनिक से नेम, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी एक नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोटिवेशनल वॉइस हो गया, मोटिवेशनली हो गया, मोटिवेशनरी हो गया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिख जाएंगे, मोटिवेशनल क्लिक्स हो गए, मोटिवेशनल थिंक, मोटिवेशनल हब, ठीक है, जो भी आप सभी को यहाँ पर अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं कोई एक यहाँ पर चूज़ कर लूँगा नाम बढ़िया सा, तो मैं यहाँ पर इस वाले नेम को चूज़ कर लेता हूँ, मोटिवेशनल टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं और यूज़र नेम में मैं नाम लिख देता हूँ मोटिवेशनल टारगेट, मोटिवेशनल टारगेट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नाम रख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना नंबर डालूंगा, फुल नेम डाल करके, पासवर्ड डाल करके साइनअप कर लेता हूँ। देन आप सभी को बताता हूँ कि आगे करना क्या है, तो आप भी इन फटाफट सारे काम को कर लेना। साइनअप पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने ये आ जाएगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आप सभी को क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद आपका जो नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। सो गाइस यहाँ पर मैंने कंफर्म पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसको हम नॉट नाउ कर देते हैं और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर प्रोफाइल पर चलते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है वो यहाँ पर बन चुका है, लेकिन टारगेट में मैंने यहाँ पर टी की जगह आर लगा दी, इसमें मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके बाद में चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोग करेंगे क्या कि आपका जो पेज है वो पूरा रेडी हो चुका है, आप लोगों को एक बढ़िया सा लोगो बना लेना है। ठीक है, ऐड प्रोफाइल पर ऑटो पर आप लोग क्लिक करेंगे और जो भी आपका लोगो होगा वो आप लोग यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है ना, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पूरा पेज है वो रेडी हो चुका है। अब बस आपको यहाँ पर पोस्ट डालनी है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये लेकर के चलो कि आपको यहाँ पर डे का यहाँ पर कम से कम 3 से 4 पोस्ट डालनी है। आप लोग मॉर्निंग में डाल सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप लोग दोपहर में डाल सकते हो, उसके बाद आप लोग शाम में डाल सकते हो। ठीक है ना, और 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे या 10 बजे के बीच में आप लोग यहाँ पर 2 पोस्ट डाल दीजिएगा। ठीक है, सुबह दोपहर और शाम को 3 टाइम तो आपको पोस्ट डालना ही डालना है। आपको ये टारगेट लेकर के चलना है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर 100 पोस्ट आप लोग कंप्लीट कैसे करोगे। ठीक है ना, और बहुत ही ईजी है, वो आप सभी को मैं बताऊँगा। तो अभी ये सब कुछ आप लोग देख लो। अब आप लोगों को उन पेजेस को फॉलो करना है जिनको देख देख करके आप लोग यहाँ पर पोस्ट बनाने वाले हो। ठीक है ना, जब आप लोग खुद एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आप खुद से भी पोस्ट यहाँ पर बना पाओगे। तो पोस्ट बनाना इतना हार्ड काम नहीं है। तो पहले तो आप लोग ये डिसाइड करो कि आप लोग हिंदी में जो है वो पोस्ट डालना चाहते हो या इंग्लिश में। ठीक है, तो मैं हिंदी को सिलेक्ट करूंगा। तो मैंने क्या कर रखा है, एक हिंदी पेज को ओपन कर रखा है, मोटिवेशन थॉट्स। ठीक है ना, तो अभी हम करूंगा क्या कि यहाँ पर हम आते हैं और हमें जाना पड़ेगा canva.com में। ठीक है ना, अब canva.com में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर कोई भी पैसा वैसा देना नहीं पड़ता डिज़ाइन विजाइन करने के लिए। अब अगर आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है तो एक एप्लीकेशन आता है मोबाइल फ़ोन में, पिक्सल लैब। ठीक है ना, इसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा, पिक्सल लैब। ठीक है, ये रहा उसका लोगो वगैरह। तो आप लोग इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, प्ले स्टोर की। तो अभी आप सभी को करना क्या है कि canva.com में आप सभी आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोग क्रिएट आ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने का यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड में कोई बढ़िया सी यहाँ पर कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसी इमेज सेलेक्ट करना जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो। तो यहाँ से आप लोग जो है बहुत सारे बैकग्राउंड जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास कोई पहले से है तो आप लोग उसको यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेता हूँ और कोई यहाँ से अच्छा सा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं नीचे देख लेते हैं, बहुत सारे यहाँ पर बैकग्राउंड आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, चूज़ कर लेने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली जाना है गूगल पर और यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी मोटिवेशनल कोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम इस वाले पेज को ओपन कर लेते हैं और ओपन कर लेने का यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं कितने कोड्स हैं। तो ये देखो, ये कोड्स ही कोड्स यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इन कोड्स का जो है इस्तेमाल करेंगे अपनी पोस्ट में। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मैं इस फर्स्ट वाले को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पर आए हम और यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। ये तो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोग देख देख कर सब सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर ऐड हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ पर इस तरीके से आप सभी को पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया आप सभी का। अब आप लोग यहाँ पर आइए, इसको थोड़ा सा छोटा वगैरह कर लीजिए, जैसे कि मैं 42 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा काफ़ी छोटा हो चुका है। अब इसको यहाँ पर हम ले जाते हैं और इसको इस तरीके से हम बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं, ये इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है, जैसे कि इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो वो आप लोग इसी तरीके से अंडरलाइन यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं, ये फॉन्ट हो गया। तो ये फॉन्ट आपको तभी चेंजेस होते हुए दिखेंगे जब आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लगभग सेम ही रहता है फॉन्ट, कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अभी आप लोग भी देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया और हमारा एक अच्छा खासा जो मोटिवेशनल जो पोस्ट है यहाँ पर वो एक अच्छी खासी यहाँ पर काफ़ी बन चुकी है। ठीक है, तो अभी मैं करते हूँ उसको बिल्कुल मिडिल में सेट कर लूँगा। तो ऐसी करके आपको कम से कम दिन के
तीन चार पोस्ट क्रिएट कर लेने हैं जो आपके 5 से 10 मिनट का काम रहेगा। ठीक, आपको बैकग्राउंड बस सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है बस, कहाँ से दूसरी साइड जाकर कोड्स कॉपी कर लो, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं, कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, इस बात से आप बेफिक्र रहो। ठीक है, तो ये आप सभी ने यहाँ पर कॉपी कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एड अ सब हेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पेज का जो भी नाम है वो एट द रेट लगा करके आप लोग लिख देंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ मोटिवेशनल, यहाँ पर लिखता हूँ टारगेट। ठीक है, टारगेट ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 10 तो बहुत छोटा हो गया भैया, 16 कर लेते हैं। ठीक है, ये कर लेने का हम करेंगे क्या, इसको उठा करके यहाँ साइड में बिल्कुल कॉर्नर पर रख देंगे ताकि जब भी कोई हमारी पोस्ट को कॉपी करे या डाउनलोड करे तो यहाँ पर हमारे जो पेज का नाम आना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिएगा, मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर आपको सभी को दिखा दिया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि ये अच्छी तरीके से देखना तो चाहिए भाई। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, तो आपको अपनी हर एक पोस्ट में अपने पेज का नाम जरूर देना है। तो ये हमारी एक पोस्ट तैयार हो गई, यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें डाउनलोड पर क्लिक कर देना है तो ये हमारी जो है पोस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं, ये हमारी पोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। मैं ओपन करके भी आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, तो ये आप सभी देख सकते हैं हमारी पोस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो अब मतलब कि हमने बनाई वो आ चुकी है, अब यहाँ पर हमें आना है, अब हमें करना है क्या, यहाँ पर हम पोस्ट वगैरह कर देते हैं। ठीक है, तो पोस्ट कैसे करते हैं, तो अभी तो मैं यार लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर पोस्ट करने का ऑप्शन आता नहीं है लैपटॉप में, अगर आप लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लैपटॉप में पता नहीं क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग पोस्ट वगैरह करेंगे अपनी और यहाँ पर डालेंगे। पोस्ट करने करना के तरीका भी एक होता है दोस्तों, कि जैसे कि अगर मैं आपको इनकी जो पोस्ट दिखाऊँ ओपन करके, तो यहाँ पर आपको कुछ हैशटैग्स का शुरू में इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्होंने तो फिलहाल नहीं करे हैं, आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि #motivation, #motivational quotes। ठीक है, इस तरीके से। तो पोस्ट वगैरह कैसे करते हैं अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग ईजिली तरीके से ऐसे समझ जाएंगे। ठीक है, बस हैशटैग आप सभी को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पोस्ट इस तरीके से करेंगे। और रही बात दोस्तों यहाँ पर इस तरीके की पोस्ट बनाने की, तो ये भी हम बना सकते हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर आपको जिसकी भी इमेज लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर MS धोनी फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया। सर्च कर लेने के बाद यहाँ पर हम इमेजेस पर क्लिक करेंगे और जो भी इमेज आप सभी को अच्छी लगे वो इमेज आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस वाली इमेज को यहाँ से उठाता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जाना है यहाँ पर आप लोग लिखेंगे remove.bg गूगल पर और यहाँ पर ये वाली जो वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, जो इमेज आप डाउनलोड करिए उसको चूज़ करेंगे, इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर ये जो आपकी इमेज है डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें करने का है दोबारा से हमें यहाँ पर जाना है और इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ हम चलते हैं अपलोड में और जो हमने इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर रखी है उसको हम यहाँ पर डिवाइस पर क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रिमूव करा था बैकग्राउंड, इसको हम चूज़ कर लेंगे और इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और ये हमारे इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग इसको पूरे पेज पर इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और इसको मैं इस तरीके से यहाँ से ले आता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा आप लोग कम कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ये जो आपका पीछे वाला टेक्स्ट है इसको आप लोग यहाँ से रिमूव कर देना और आप यहाँ प्लस पा करके यहाँ प्लस हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो अब ये जो आपका कोर्स होगा ना ये महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं यहाँ पर और इधर मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सभी लोगों का आ जाएगा और आप लोग इस तरीके से इसको जो है वो रेडी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इमेज यहाँ पर लग रही है। और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ और वगैरह लगाना है, जैसे कि ये इमेज लगानी है तो ये भी लगा सकते हो, ये इमेज लगानी तो ये भी लगा सकते हो, बहुत सारी यहाँ पर इमेजेस आप सभी को देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग पोस्ट रेडी कर सकते हो और अपने पेज पर जाकर के पोस्ट कर सकते हो। आपको एक महीने में कम से कम 100 पोस्ट तो करनी ही करनी है। अब आप लोग कैसे भी करो, कुछ भी करो, अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया ना और लगभग आप लोगों की यहाँ पर 1000 भी पोस्ट हो गई तो डेफिनेटली आपके जो फॉलोअर्स होंगे ना वो दिन में कम से कम 100, 200, 500 फॉलोअर्स आपके कहीं पर भी नहीं गए। ठीक है ना, तो आप लोग इनके पोस्ट पर देख सकते हो 8000 आ रहे हैं और इस पोस्ट इस इंस्टाग्राम पेज की कीमत दोस्तों आप सभी को बताऊं तो जितने इसके फॉलोअर्स हैं ना लगभग उसके दुगने में इसकी कीमत होगी।
ठीक है, अगर ये इंस्टाग्राम पेज सेल होगा तो कम से कम मेरे ख्याल से 5-6 लाख का आराम से सेल हो जाएगा ये पेज, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आपका पेज जरूर से जरूर ग्रो होगा, ठीक है। बाकी कोई भी समस्या आ रही है, पोस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा, डेफिनेटली सो वीडियो आएगी। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।